आज मैं भी आपको सेक्स बीमारियां जो है लैंगिक समस्याएं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। सेक्स बीमारियां जो है लैंगिक समस्याएं वो अक्सर ज्यादातर मनोविकार नहीं आती, मतलब उनका जो कारण है वो मानसिक समस्या उसका कारण होता है। और होता क्या है कि ये बीमारियां इनको होती है वो मनोचिकित्सक के पास में आते नहीं, वो इधर उधर घूमते रहते। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सी बीमारियां आती है जिसके लिए वो व्यक्ति हमारे पास में साइकेट्रिस्ट के पास में मनोचिकित्सक के पास में आएगा और उसका इलाज करवाएगा। इसमें लोग हमारे पास में आते हैं हस्तमैथुन की, क्योंकि उनको हस्तमैथुन की आदत लगी हुई, मास्टरबेशन मतलब हाथ से किया हुआ मैथुन वो हस्तमैथुन। तो इनको बीमारी क्या होती है कि ये हाथ से शिश्न के ऊपर घर्षण करते उनको अच्छा लगता है और वो घर्षण करते करते उनका वीर्य बाहर निकलता है। अभी हमको हमारे मतलब कल्चर में संस्कृति में ऐसा बताया गया है कि वीर्यनाश जो है, इस तरह का वीर्यनाश जो है उसके वजह से कमजोरी आती है। तो हस्तमैथुन की वजह से कमजोरी आती नहीं है ऐसा हम बार बार बोलते रहते। हस्तमैथुन एक नॉर्मल प्रक्रिया है और उसका कोई इलाज नहीं है, मतलब कि नॉर्मल है तो इलाज क्या करना। यदि वो उसकी हैबिट हो जाती है हस्तमैथुन की, मतलब आदत गिर जाती है और उसके दिमाग में वही वही बार बार आता है तो उसका इलाज हम कर सकते हैं और वो इलाज करना जरूरी होता है। फिर दूसरे हमारे पास में जो लोग आते हैं वो आते हैं कि रात में वीर्यपात होना और कपड़े खराब होना। होता क्या है कि शादी के पहले वीर्यपात होना ये बहुत ही नैसर्गिक है, इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि वीर्य जो है अपने शरीर में 24 घंटे तैयार होते रहते। अगर शादी हुई नहीं है वो सेक्स संबंध प्रस्थापित करता नहीं है, मतलब शादी नहीं तो, और फिर उसके वजह से जो तैयार हो रहा है भी तो वो ओवरफ्लो हो जाता है और ओवरफ्लो होने के कारण उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल एमिशंस, स्वप्नावस्था या स्वप्न दोष, स्वप्न दोष। ये कोई बीमारी नहीं है, इसको काउंसलिंग करना जरूरी होता है, इससे कोई कमजोरी आती नहीं। फिर तीसरी बीमारी हमारे तरफ जो लोग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि भाई हमको नपुंसकत्व है, मतलब शिश्न में कमजोरी है। और शिश्न में कमजोरी होने के बहुत सारी वजह है, बहुत सारी वजह। मेजोरिटी जो है मतलब 40 साल की उम्र के पहले यदि उनको ये समस्या आती है तो ये समझ लो कि वो साइकोलॉजिकली है, मनो मन के ऊपर टेंशन आने की वजह से या मानसिक समस्या की वजह से उसको नपुंसकत्व आता है। तो इसमें शिश्न में जो तकलीफ होती है कि भाई वो शिश्न का कड़कपना नहीं आना या वो लैंगिक समस्या मतलब लैंगिक संबंध प्रस्थापित करने योग्य शिश्न बड़ा नहीं होना और इसके वजह से वो उसको नपुंसकत्व आता है और उसके वजह से बीमारी उसको ऐसा लगता है कि बीमारी है क्योंकि वो सेक्स नहीं कर पाता। तो इसका जो कारण है वो हमको कारण देखना पड़ता है कि कारण कौन से कारण से हुआ है। कोई कारण है तो कारण का इलाज करो, और कारण कोई इसका कारण नहीं है, मानसिक कारण है तो उसका वैसा इलाज करना जरूरी है। फिर चौथा जो मेन हमारे पास में जो लोग आते हैं वह शीघ्र वीर्यपात, शीघ्र पतन। ये संबंध जब करता है व्यक्ति तो उसको वीर्यपात जल्दी हो जाता है, मतलब क्रिया करने के बाद तुरंत कुछ सेकंड में उसको वीर्यपात हो जाता है और इसकी वजह से उसको मतलब दोनों को मियां बीबी को दोनों को सेक्स में इतना संतोष मिलना चाहिए उतना संतोष समाधान नहीं मिलता। तो ऐसे चार बड़ी बड़ी जो तकलीफ है उसकी वजह से लोग आते हैं। फिर हमारे पास में लोग आते हैं कि भाई
मधुचंद्र जब रहता मतलब शादी के बाद की पहली रात, तो उसमें समस्या हो गई और वो समस्या होने के कारण लोग हमारे पास में आते, क्योंकि उसमें रहता है कि लड़का बोलता है कि मैंने तो ये जो है मैथुन किया, समागम किया, लड़की बोलती है नहीं इसने नहीं किया, और फिर उनका झंझट झगड़ा शुरू हो जाता है और वो हमारे पास में आते हैं। तो ऐसी अलग अलग समस्या है, सेक्स की है, लैंगिक समस्या है। फिर इसके बाद में कुछ लोग आते हैं कि जिनको समलिंगी आसक्ति होती है, मतलब होमोसेक्सुअलिटी। तो समलिंगी आसक्ति जो है उसमें लड़का लड़का समलिंगी प्यार उसका हो जाता है और वो उसको समलिंगी सेक्स करने में, मतलब लड़का लड़के से सेक्स करेगा या लड़की लड़की से सेक्स करेगी, उसको लेस्बियन बोलते हैं, तो वो करेंगे और वो इतना प्यार में हो जाते कि कभी कभी वो शादी भी नहीं करते, मतलब अपोजिट सेक्स के साथ में वो दोनों लड़कियां ही रहते हैं और वो शादी भी नहीं करते, आपस में वो इतना प्यार होता है कि वो रहते रहते, या दोनों लड़के साथ में रहते वो शादी नहीं करते और उनको आपस में इतना प्यार होता है कि वो सेक्स करते रहते। तो ये होमोसेक्सुअलिटी है। तो ऐसी अलग अलग बीमारियां, और फिर कमजोरी इसकी वजह से जो आती है उसके लिए काफी लोग आते हैं कि भाई हमको ये बीमारी है और इसकी वजह से कमजोर हम हो गए, उसका इलाज करो। फिर कुछ लोग इसलिए आते हैं कि भाई हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक आने के बाद में मतलब हृदय विकार हो गया, उसका हृदय का झटका आ गया, दिल का दौरा पड़ गया, उसके बाद में अभी सेक्स में कमजोरी आ गई, या उसको उनको डायबिटीज है मतलब शुगर की बीमारी है, शक्कर की बीमारी, या ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाई खा रहे और वो दवाई की वजह से उनको मतलब संबंध प्रस्थापित नहीं कर सकते, सेक्स नहीं कर सकते, उनको नपुंसकत्व आता है। इसके अलग अलग कारण है, मैं एक अलग वीडियो में सेपरेट अलग अलग बीमारियां लेके मैं आपसे बातचीत करूंगा, ताकि आपको उसका डिटेल ब्यौरा मिलेगा और उसमें जो भी आपको जानकारी चाहिए वो पूरी मिल सकती है। हमारा उद्देश्य यह है कि ये बीमारी की वजह से जो लोग जो लड़के लोग शादी के पहले खुदकुशी कर लेते हैं कि नहीं हमको सेक्स में मैं कमजोर हूं, मैं सेक्स के लायक नहीं हूं, शादी नहीं करता हूं, या शादी करने के बाद में भी कमजोरी है और वो खुदकुशी कर लेते हैं, तो इसमें यदि उनका इलाज हम पूरा करते हैं तो वो पूरा अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं, अच्छा बिता सकते हैं। क्योंकि देखो दिल का दौरा पड़ गया तो एक बार लोगों को चलेगा, मगर सेक्स नहीं कर पाते ऐसा इनको मालूम पड़ गया, ऐसा उनको बीमारी हो गई तो सहन नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप तो ये वीडियो देख ही रहे, तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करो। मेरे वीडियो के लिए जो YouTube का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो, मेरा Facebook है उसका पेज लाइक करो सेक्सोलॉजी का, और हमारी वेबसाइट है उसमें भी जाके आप और जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को मुझे संपर्क कर सकते हैं। और यही मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा जो मिशन है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, इसके लिए आपकी सहायता जरूरी है, आप हमारे उसमें पार्टनर बनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो हमने आपको इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी, वो लोगों को तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।